अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहु। मैं आप सबका दुआगो सैयद अरसलान अहमद नसीरी दरबार हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद हुसैन चिराग दहलवी की बारगाह से। माशाल्लाह आज हम आप तमाम ज़ायरीन को बताएंगे कि दरबार शरीफ में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, जो कि आपका लकब है चिराग दहलवी, ये किस तरह और किस वाक़े पर रखा गया। तुगलक बादशाह का ज़माना था और निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में बावली का काम चल रहा था। तो एक दिन बादशाह राउंड पे निकलता है और देखता है कि उसकी बावली में काम नहीं चल रहा, सारे मजदूर सो रहे हैं। तो अपने वज़ीर से बादशाह पूछता है कि ये सारे सो क्यों रहे हैं। तो वज़ीर बताता है कि ये निज़ामुद्दीन औलिया की बावली में रात को काम करते हैं और हमारे यहाँ दिन में काम करते हैं, तो इनको आराम का मौका नहीं मिल रहा। तो तुगलक बादशाह फरमाते हैं अपने वज़ीर से कि जाओ देख कर आओ कि उस फ़कीर की बारगाह में ऐसी क्या चीज़ है जो सारे मजदूर उधर काम कर रहे हैं। तो वज़ीर जाता है वहाँ और सब कुछ देख कर आता है। तो वज़ीर तुगलक बादशाह को बताता है कि बादशाह उधर तो 40 ऊँट एक प्याज का कचरा उठा रहे हैं, इतना अजीम लंगर बन रहा है वहाँ पर इन मज़दूरों के लिए और वहाँ पे बावली का काम चल रहा है। तो आप कहते हैं कि जितने भी दिल्ली में तेली हैं इन सबको तेल देना बंद कर दें। अब सरकार हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बावली में पहुँचते हैं और देखते हैं कि काम नहीं हो रहा। तो निज़ामुद्दीन औलिया से फरमाते हैं कि सरकार ये काम क्यों रुका हुआ है आज। तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि बादशाह ने तेल देना बंद कर दिया है। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन फरमाते हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं इसको आपकी बावली के पानी से रोशन कर दूं चिराग को। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बोलते हैं कि नसीर बिल्कुल। तो सरकार भरते हैं पानी चिरागों में और शहादत की उंगली लगा के कलमा पढ़ते हैं, माशाल्लाह वो चिराग रोशन हो जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको लकब दिया कि आप आज से दिल्ली के चिराग कहलाए जाएंगे और रोशन चिराग दहलवी का लकब आपको ऐसे मिला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दुआगो सैयद समीर अहमद नसीरी इंचार्ज खादिम की होल्डर दरबारे हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन औलिया की बारगाह से। आप तमाम लोग बारगाह में आएँ तो हमें कॉल करें ज़ियारत के लिए और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर